ओफ़ वो आशी, हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं और तुम हो के सो रही हो। 15 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें पैक करने। हाँ ठीक है, बाय। शुक्र है ये ख्वाब था। मम्मी, ये क्या हो रहा है? तुम्हें तो पता है ना मैं अपने प्लान्स के लिए कितनी सेंसिटिव हूँ। देखो जरा ये बेचारा। आशी से बात कर रही थी ना, मुझे पता था आखिर ये कब रिकॉर्ड तोड़ेगी टाइम पे तैयार होने का। आपको तो पता है मम्मी, यूनिवर्सिटी में सब उसको लेट लतीफ के नाम से पुकारते हैं और अहमर और हदीद अभी तक चिढ़ते हैं उसकी आदतों से। अच्छा बेटा, तुम्हें आधा घंटा तो लगेगा वहां पहुंचने में। इसीलिए तो उससे कहा है कि 15 मिनट में आ रही हूँ, जल्दी जल्दी भी तैयार होगी तो आधे घंटे में तैयार होगी। ठीक किया तुमने। ओके बेटा, ओके, टेक केयर। बहुत अच्छी लग रही हो जनाब। लंच पर जा रही हूँ मैं 5-स्टार रेस्टोरेंट में। हाय, काश हमारे भी इतने हाई फाई किस्म के दोस्त होते। ओफो, ज्यादा कुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगी ना अपनी प्यारी सी बहन को किसी दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच करवाने। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, MBA करके घर पर बैठ गई हो, अपने बाकी दोस्तों को देखो इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं सब। कोई नहीं, सिर्फ हदीद जॉब कर रहा है, अहमर अपने अब्बा के बिजनेस में हाथ बटा देता है और सोबिया भी तो मेरी तरह घर पर आराम कर रही है। आराम नहीं कर रही, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट कोर्स कर रही है, उस दिन बता तो रही थी। तो वो क्लासेस भी तो वो अहमर की वजह से ही ले रही है ना। पता है अहमर के अब्बा उन दोनों को बिजनेस सेट कर दे रहे हैं, वो भी दुबई में। तो तुम एक काम करो ना, सिंधी, बलोची या पंजाबी सीख लो, क्योंकि शादी के बाद रहना तो तुम्हें हमारी किसी सूबे में है, बाहर से तो रिश्ता आने से रहा और करना तुमने कुछ है नहीं। शट अप दानिया, अपने मुल्क में रहने में कोई बुराई नहीं और मैं भी रहूंगी खुशी खुशी, लेकिन सिर्फ उसके साथ। उसके साथ? उसका नाम? लगता है सोबिया आ गई, मैं निकल रही हूं। अच्छा अम्मी नमाज पढ़िए, उन्हें बता देना कि मैं चली गई हूँ, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह हाफिज। रुको, उसका नाम तो बताती जाओ, पहले वो खुद तो बता दे। यार जेबी, तुमसे बात किए बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती। मामा मेरा नाश्ते पर वेट कर रही है। तुम तो जानते हो कि फिर से इनका लेक्चर शुरू हो जाएगा कि तुम्हारी वजह से फिर से ऑफिस लेट हो गया। लेकिन डोंट वरी मेरे दोस्त, मैं पहले तुम्हें नाश्ता दूंगा फिर खुद करूंगा। अरे तुम ही तो मेरे दुख सुख के साथ साथ मेरे रास्ता भी हो, मैं अपनी सारी बातें तुम्ही से तो करता हूं। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। और हां सही चीज, लगता है आज बड़े दिल से तैयार होकर आई हो। हाँ, और काश जिसके लिए तैयार होकर आई हूँ वो भी नोट कर ही ले। कब तक खामोश फिल्मों की हीरोइन की तरह वन साइडेड मोहब्बत करती रहोगी? मैं तो कहती हूँ उसे इजहार कर दो अपनी मोहब्बत को और इस किस्से को खत्म करो। अच्छा सोबिया, तुम मुझे ये बताओ कि पहले अहमद ने तुम्हें आई लव यू कहा था या तुमने? किया तो अहमद नहीं था, लेकिन आशा, अगर तुम इस इंतजार में बैठी रही ना तो तुम्हारी गाड़ी तो निकल जाएगी। अजीब घुंचू है ये हदीद भी, सारी बातें कर लेता है और बस यही बात उसकी जुबान से नहीं निकलती, कहीं से भी नहीं लगता कि वो अहमर का कजन है। तुम्हें तो पता है अहमर बोलना शुरू करे तो उसे चुप करवाना कितना मुश्किल होता है।
वैसे लकी हो तुम सो गया। जो तुम सुनना चाहती थी उसके लिए तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा। इसीलिए तो तुम्हें कहती हूँ कि नहीं कुछ नहीं कहोगी तुम उसे। अच्छा बाबा ठीक है नहीं कहूंगी, स्टेयरिंग तो छोड़ो। क्या करती हो तुम? तो भी डरा देती हो तुम भी मुझे ना। अच्छा बाबा नहीं करती हूँ बात। मामा मामा। हाँ क्या बात है? मामा मैं निकल रहा हूँ तो शायद आते हुए मुझे थोड़ी देर हो जाए। कहाँ जा रहे हो? आज अहमर की तरफ लंच और फिल्म की ट्रीट है। अरे भाई वाह, माशाल्लाह से तुम चारों यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। मामा इसमें कुछ हाथ रिश्तेदारों की जंजीरों का भी है। अगर अहमर मामू जान का बेटा ना होता और सोबिया अहमर की खालाजाद ना होती तो यूनिवर्सिटी के बाद शायद ये दोस्ती फीकी पड़ जाती। ये बात भी ठीक है, लेकिन आशी के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई वो तो अपनी दोस्ती बड़ी अच्छी तरह निभा रही है और हमारे रिश्तेदार भी नहीं, लेकिन यूं लगता है जैसे खानदान की ही है। ये बात तो है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह सोबिया है और सोबिया से आशी की दोस्ती बहुत पक्की है। अल्लाह तुम सब की दोस्तियों को सलामत रखे और नजरें बद से बचा के रखे। ख्याल रखे। सॉरी सॉरी अहमद, ट्रैफिक बहुत था, देर हो गई। मैं कोई हवाई जहाज पे तो आया नहीं, तुम्हारी तरह गाड़ी पे आया हूँ ना। सोबिया मुझे लगता है अब तुम्हें अहमद को वो गाना सुना देना चाहिए। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाए हम पिया। तुम तो चुप ही रहो अहमर, इसकी वजह से लेट हुए हैं। अभी जो वक्त पर ये तैयार मिले। तुम जानती हो मुझे तुम्हारा इंतजार करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम लगता है, और एक ये है जिसको मुझे तड़पाने का ही शौक है। चलो जी झूठ का सेशन शुरू। हाय आशी, ये झूठ भी कितने सच लगते हैं ना, क्यों अहमर? एक्सक्यूज मी, ये कोई झूठ नहीं है, सीधे मेरे दिल की आवाज है। अरे अहमर मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुम भी ना सीरियस ही हो जाते हो। अरे मेरी प्यारी दोस्त मैं भी मजाक कर रहा था। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। नहीं अभी हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, हदीद का वेट नहीं करना क्या? लो। हेलो एवरीवन। हदीद कहाँ रह गए थे तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब पता चला इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। मेरा मुनसिफ किधर हो भाई? ये देखो ये डस्टिंग हुई भी है, तुम्हें पता नहीं है फंक्शन होने वाला घर में? और वो देखो सामने सारा सामान उसी तरह पड़ा हुआ। और सुनो मारी नहीं आया आज? देखो पौधे कैसे सूख रहे। मोबाइल लाओ मेरा, बुलाओ उसे, मेरा को बुलाओ, चलो जाओ उसे बुला के लाओ, उसे को फटाफट डस्टिंग खत्म करे। हेलो हेलो नुसरत, कैसी हो? अरे इशरत आपा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बात करने के लिए तुम्हें कॉल की है। पापा आप तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत बातें करती हैं, कहिए आज कोई खास बात है? भाई जवाब नहीं तुम्हारी हाजिर जवाबी का। सुनो बात बहुत ही खास है। तुम्हें याद है ना हमने अपने बच्चों अहमर और सोबिया के लिए क्या सोच के रखा हुआ? जी जी बिल्कुल, सोबिया आपके अहमर की ही अमानत है। बस फिर ठीक है, कल हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, अभी मंगनी कर लेते हैं
और फिर शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। अरे आपा, आप तो हथेली पर सरसों जमाने लगी, तैयारी कैसे होगी? ओफो भाई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर लेते हैं, तैयारी उसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे आपकी खुशी। ओके फिर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत यम्मी खाना है। ऐसी ये ट्रीट है किस खुशी में? नहीं मुझे तो नहीं पता। बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे अहमद, मुझे क्यों ला रहे हो तुम दरमियान में? साफ साफ बोलो ना। क्योंकि तुम इधर भी हो और उधर भी, हमारी हर खबर तुम्हें सबसे पहले पता होती है। सोबिया, ये तो सरासर इल्जाम लग रहा है मुझ पर। हाँ लेकिन अगर तुम्हें अहमद की कोई शिकायत करनी हो ना तो हदीद से बात करना, वो ही इसके कान खींच सकता है। मुझे पता है, हदीद तो हमेशा अहमद की ही साइड लेगा। यार आशी, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। इसीलिए तो मैं और अहमद चाहते हैं कि हदीद हमेशा अपना ख्याल रखे। हाँ, कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखो। दानिया जी, आशी को जरा फोन करके पूछो उसका कब तक घर आने का इरादा है। अम्मी आ जाएगी ना, अभी फोन करूंगी तो ऐसे ही चढ़ेगी। अरे भाई, एक तुम्हारे अब्बा है, सुबह से कई बार उसका पूछ चुके हैं। क्यों, खैरियत है? अब्बा को कोई काम है क्या? मैं कर देती हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे अब्बा आशी के किसी प्रपोजल का जिक्र कर रहे थे, उनके किसी दोस्त की फैमिली घर आना चाह रही है। ओह तो ये बात है, लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? अरे भाई ये सारी बातें तुम अपने अब्बा से खुद पूछ लो, फिलहाल तो उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं बताया। अभी जाके पूछती। रुको, ये कोई वक्त है किसी लड़की के घर आने का? अम्मी मैं आपको बता कर तो गई थी, आज अहमद की तरफ से लंच ट्रीट थी और उसके बाद हम मूवी देखने चले गए, वो बस उसने पहले से ही बुकिंग कराई हुई थी, मैं क्या कर सकती हूँ? देखो आशी, अहमर और सोबी आपस में कजन्स हैं और उन दोनों का आपस में रिश्ता भी होने वाला है। हदीद अहमर का फूफीजाद भाई है, तुम उन लोगों के साथ कौन सी रिश्तेदारियां निभाती रहती हो? अम्मी हम लोग बहुत पुराने क्लास फेलोज भी तो हैं, ये बात आप हमेशा कैसे भूल जाती हैं? अपनी फजूल बकवास बंद करो और जाओ जाके अपने अब्बा को बताओ कि तुम्हारी तशरीफ आवरी हो गई है। अम्मी प्लीज, ये बात आप भी उन्हें कह सकती हैं। इस डांट का ना दूसरा एपिसोड सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इस टाइम, मैं जा रही हूँ कमरे में। रुको तुम, बताती हूँ तुमको मैं। अरे हशाम भाई की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी हशाम भाई, वो फोन कमरे में था और मैं हदीद के लिए खाना लगा रही थी। तुम्हें डांटने का मेरा पूरा प्रोग्राम था, लेकिन चूंकि खुशी की खबर सुनानी थी इसलिए तुम्हें इस बार माफी मिल रही है। जल्दी से बताएं हशाम भाई, कैसी खुशखबरी? कल शाम तुम और हदीद मेरे घर आ रहे हो, अहमर की मंगनी तय करने और शादी की डेट फिक्स करने हम नुसरत के घर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। तुम्हें याद है जब सोबिया की बिस्मिल्लाह हुई थी, नुसरत ने उसे दुल्हन की तरह तैयार किया था और हमारा छोटा अहमर उसे मुसलसल अपनी दुल्हन कहे जा रहा था। हाँ भाई, और किसी को उसके करीब बैठने तक नहीं दे रहा था। अच्छा कल तुम लोग जल्दी से आ जाना, तुम्हें पता कि तुम्हारे बगैर मेरी कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं होती। और आपके बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं है, आप ही तो मेरी ढारस है, मैं जरूर आऊंगी।
ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या सोच रही है? ये लीजिए चाय। शुक्रिया। सोबिया बेटी, लगता है कि हमारी बेटी ने आज बहुत इंजॉय किया, लेकिन बेचारे अहमर की जेब का कबाड़ा कर दिया होगा तुम लोगों ने। ये तो है डैडी, आज इस बेचारे की जेब सच में खाली हुई है। उसे खुद हमें ट्रीट दी थी। उसने खुशी के मारे लगता है एडवांस में ही ट्रीट दे दी। खुशी? कैसी खुशी मामी? भाई तुम्हारी इशरत खाला का फोन आया था, वो कल आ रही है तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने। सच मामी? मतलब ठीक है। सोबिया बेटी, खुशी छुपाई नहीं जाती, खुशी मनाई जाती। अब्बा को कोई प्रपोजल पसंद आ गया तुम्हारे लिए? उन्हें तो हर दो महीने बाद कोई ना कोई पसंद आ जाता है मेरे लिए। तो फिर मान क्यों नहीं जाती? खत्म करो ये सिलसिला। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है मेरी जान। अहमर, मैंने सुना था कि मोहब्बत करने वाले हमेशा जुदाई का गम उठाते हैं। हम कितने लकी हैं ना। ये तो है। ना ही कोई रकीब दरमियान में आया और ना ही ये जमाना जालिम समाज बना। क्या जरूरत पड़ गई इन दोनों को मंगने की? भाई बचपन से उनका रिश्ता तय है, अब माशाल्लाह बड़े हो गए तो शादी तो करनी है। भूल जा।